देखिए, कल मेरी तकरीबन 3 मंत्रियों से बात हुई है, प्लानिंग में बात हुई है, सबसे हमने मुलाकात की है। पहली मुलाकात हमारी गजेंद्र सिंह शेखावत जी से हुई। उनसे हमने कहा कि हिमाचल एक टूरिज्म स्टेट है और टूरिज्म स्टेट के नाते बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में हिमाचल के लिए बजट रखना चाहिए, और निश्चित तौर पर उन्होंने हमारी बात पर गौर किया और कहा कि आप हमें प्रोजेक्ट दीजिए, हम उस पर काम करेंगे। फिर मेरी नितिन गडकरी जी से बात हुई है। नितिन गडकरी जी से हमने अनुरोध किया है कि एक जो हमारी भुभुजोड़ टनल है, जिससे पठानकोट से कुल्लू मनाली ले की जो रास्ता है वो शॉर्टकट हो जाएगा और स्ट्रेटजिक पॉइंट से बड़ी इम्पॉर्टेंट है। उस सिलसिले में भी हमने उनसे मुलाकात की और उनसे अनुरोध किया कि आप इसको अपनी स्ट्रेटजिक रोड्स में डालने की कोशिश कीजिए, ताकि लेह जाना होगा तो इतना लंबा सफ़र काट के नहीं जाना पड़ेगा। और इस मामले में हमने बात की है, और भी कई रोड्स की बात हमने उनसे की है, ब्रिजेस की बात हमने की है, जो हिमाचल का शेयर बनता है CRF के तहत, तो उस पर हमने उनसे बात की है। इसके अलावा मैं राजनाथ सिंह जी से भी मिला, उनसे भी हमने बात की कि भुभुजोड़ को हम स्ट्रेटजिक रोड के रूप में डेवलप किया जाए। उसके बाद मैं प्लानिंग कमीशन में गया कि हमारा 67% फॉरेस्ट कवर एरिया है और हम नॉर्दर्न इंडिया के लंग्स हैं, हमने जंगलों पर पूरी तरह बैन रखा है, तो आप हमारी समस्या को देखिए कि हमने जंगल अपनी तरफ से बंद किए, भारत सरकार की कोई नोटिफिकेशन नहीं है जंगल काटने में। अगर हम जंगल काट दें तो काफ़ी रेवेन्यू उससे अर्जित किया जा सकता है। हमने कहा है कि इस दृष्टि से हमें देखना है, और इसके बदले हमें कम से कम ग्रीन बोनस हिमाचल प्रदेश को ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने जंगलों को बंद करने की बात हमने उनके सामने रखी। सर, इसके अलावा अग्निशमन चौकी की बात, जिस तरीके से आपने आज ट्वीट करके बताया कि अग्निशमन चौकी आप खोल रहे हैं कैबिनेट में, वो तो अलग है, वो तो कैबिनेट की शिमला के डिसीजन है। आपने हिमाचल निकेतन का भी दौरा किया, क्या स्थिति है और किस तरह काम? नहीं, हिमाचल निकेतन जो बन रहा है वो हिमाचल के सभी लोगों के लिए बन रहा है। उसमें जो बुकिंग की सुविधा होगी वो रिजर्वेशन नहीं होगी, कोई भी हिमाचल का आदमी आकर उसमें जा सकता है। और जो हमारे यूथ यहाँ पढ़ने लिखने के लिए आते हैं, यूनिवर्सिटी में रहते हैं, उनको 3-4 दिन के लिए अकोमोडेशन चाहिए, तो उनके लिए भी वो उसमें हमने प्रावधान किया गया है। तो वो अगले साल दिसंबर तक बनने की संभावना है। बड़ी स्पीड से दौरा काम चल रहा है। तो जम्मू कश्मीर में आतंकवादी जो हमला हुआ है उसको लेकर कुछ कहेंगे इस तरीके से? राष्ट्रीय न्यूज जो होती है, हम तो हमारे सर स्टार प्रचारकों में डाला गया आपको उपचुनावों के लिए, तो क्या लगता है कांग्रेस अब मुझे वो तो सब मुख्यमंत्री को डालते हैं, उसमें कोई वो नहीं है, सब मुख्यमंत्री जो होते हैं उनको डालते हैं। तो हम जहाँ भी हमें पार्टी हाईकमांड ड्यूटी देगा, कांग्रेस पार्टी जहाँ बोलेगी वहाँ हम प्रचार करेंगे। धन्यवाद।